वेलकम टू ऑल ऑफ यू, 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। या कल जैसे हमने बोला हुआ था कि सेंसेक्स की कॉल कल 1 बजे ही करीबन हमने बोला हुआ था कि आप बाय करके चल सकते हो सेंसेक्स की 81,000 की कॉल, या देख सकते हो 11 रुपीज से लेके बाय 22, 11 to 22, 11 to 22, 11 to 22। या ठीक है, देख सकते हो BTST कॉल में क्या मोमेंटम देखने को मिली। अब करे तो क्या करे, ठीक है। तो एक टाइम स्लॉट है, अमी ब्रोकर के सिग्नल का वेट करिए। सेल का टाइम स्लॉट है 9:50, 9:50। जैसे ही अमी ब्रोकर में सिग्नल आए, अब बाय कर पुट बाय कर सकते हो। पुट कौन सी बाय करनी है, सेंसेक्स की 79,000 की पुट अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे ही अमी ब्रोकर में सिग्नल आए, पिक कर सकते हो, पिक कर सकती हो, पिक कर सकते हो, ठीक है। या BTST कॉल में 81,000 की कॉल में 11 to 22 की जर्नी देखने को मिली हुई है। अब करें तो क्या करें, अगर किसी ने कॉल को होल्ड करके रखा है तो अमी ब्रोकर के सिग्नल के साथ उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए। बेटर है 9:50 बुक कर लीजिए। और 79,000 की पुट लिस्ट में रखिए। 79,000 की पुट अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे ही अमी ब्रोकर में सिग्नल आए, आप 79,000 की पुट बाय कर सकते हो। टाइम स्लॉट है 9:50 से लेके 10:50। और जिसने भी टाटा मोटर की 1,000 की कॉल 1,000 की कॉल होल्ड की है, वो कैरी ऑन कर सकते हो। या देख सकते हो 17 रुपीज से लेके एक बढ़िया मोमेंटम लास्ट 4 डेज से कंटिन्यूस सस्टेन है मार्केट, कैरी ऑन कर सकते हो टाटा मोटर की 1,000 की कॉल अप टू 19 जुलाई। और ONGC में भी जिसने कॉल पिक की होगी, करीबन हमने 7 जुलाई के अराउंड कॉल दी थी, आप देख सकते हो क्या मोमेंटम मिली हुई है, ठीक है। तो यही कहानी है, देख सकते हो आप एक बढ़िया मोमेंटम, करीबन 2 से 3 रुपीज से लेके करीबन आप देख सकते हो या 13 रुपीज तक, ठीक है। फॉरेक्स ROI क्लियरली वहां बोला हुआ था, 300 की कॉल बाई करके चलिए, और वाकई 3 रुपीज से लेके 12 रुपीज की जर्नी देखने को मिली हुई। दोनों कॉल, टाटा मोटर की कॉल एज वेल एज द ONGC की कॉल, दोनों हमने गाइड की हुई थी, और वाकई द यहाँ एक बढ़िया मोमेंटम, मोर देन 2x ROI यहाँ देख सकते हो, ठीक है। वेट करिए 79,000 पुट के लिए, वेट करिए। जैसे ही सेल का सिग्नल अमी ब्रोकर में आए, पिक कर सकते हैं। विदाउट SL इस प्लेटफॉर्म पे मत आइए, विदाउट SL काम करना इस प्लेटफॉर्म पे गुना है, साइलेंट रहना इस प्लेटफॉर्म पे गुना है। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी है, कम से कम शेयर करने की कोशिश करिए।
पिक कर सकते हो, पिक कर सकते हो, पिक कर सकते हो, पिक कर सकते हो, पिक कर सकते हो 70। एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ देखने को मिली, एक बढ़िया मोमेंटम क्लियरली बोला, और 79,000 की पुट में 9 रुपीज टू लेके 15 रुपीज, एक बढ़िया जग देखने को मिला। देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। एक क्लियरली गाइड किया हुआ था, एग्जैक्ट 9:50, एग्जैक्ट 9:50 क्या होता है मार्केट में, ठीक है, देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, करीबन 9 रुपीज से लेके 15.2। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, एक बढ़िया जर्न, ठीक है। एडवांस में इंस्टा में भी वीडियो है, यूट्यूब में भी वीडियो, रील्स है, आप जाके देख सकते हो। आज टेलीग्राम में भी हमने गाइड किया हुआ है कि एग्जैक्ट 9:50 पे क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो यही कहानी है 2x कैसे अचीव किया जाए। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। पापा अगर 15 किया वो सस्टेन होता है 38 के टारगेट के लिए जाएंगे, अगर 15 किया वो सस्टेन होता है 38 के टारगेट के लिए जाएंगे। या कॉन्ग्रेचुलेशन धनंजय जी, 4.4% प्रॉफिट बुक करने के लिए। अच्छा बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया मोमेंटम, एक देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। क्या मोमेंटम मिल रही है, 9:50 एग्जैक्ट 9 रुपीज टू लेके 18 रुपीज, 9 to 18, 2x ROI, या 9 रुपीज टू 18 रुपीज, 9 to 19, 9 to 19, 9 to 19, 9 to 19। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। साइलेंट रहना इस प्लेटफॉर्म पे गुना है, विदाउट एसल काम करना इस प्लेटफॉर्म पे गुना है। या देख सकते हो 9 to 18, 9 to 18, 9 to 18, 9 to 19, 9 to 21, 9 to 21, 9 to 21। एसएल ट्रेड करके चलिए, अगर होल्ड किया हुआ तो 9 to 22, 9 to 22, 9 to 22, इट्स अमेजिंग। 9 to 27, 9 to 27, या इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, 3x ROI, 9 to 28, 9 to 28, 9 to 35, 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 इट्स अमेजिंग, 4x ROI। देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। 9 to 36, ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 15 के अबोव सस्टेन होता है, हमने क्लियरली बोला हुआ है 38 तक जाएगा, मगर 36, 35, 35, 9 to 35, 9 to 35, इट्स अमेजिंग।
जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो प्रॉफिट सेल कर सकते हो। इट्स अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट कौन सा रहेगा? तो टाइम स्लॉट रहेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है वही समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्या रीजन था पर्टिकुलर इस कॉल के पीछे का। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कौन सा पहलू है जहाँ क्लियरली 9:50 से लेके ही हमने क्यों बोला। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी पर्टिकुलर फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स है जिसने भी बाय किया और सॉफ्टवेयर को, वो भी जानते ही है, अपनी राय एंड कमेंट भी दे सकते हैं। तो क्यों क्यों 9:50 पे ही जर्क आता है और फॉरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, तो इसके पीछे का ऐसा कौन सा रीजन है, सॉफ्टवेयर के जरिए समझने की कोशिश करते। या ONGC की कॉल में भी आप देख सकते हो, 300 की कॉल में भी 3 रुपीज से 13 रुपीज, टाटा मोटर की कॉल में 17 to 36, और यहाँ सेंसेक्स की आज 79,000 की फुट में भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम, 9 रुपीज to 35 रुपीज। इसके पीछे का रीजन क्या था वो देख लेते, सोच सकते हैं, समझ सकते हो। ठीक है, तो एग्जिट 9:50 पे क्या हो रहा है, मून की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो 63% से लेके 47%। ठीक है, 63 से 47% 12th की एंट्री 8 और 12th की एंट्री सब लॉर्ड में ही, मून के सब लॉर्ड में केतु एन है आप देख सकते हो, और 8 और 12 की रिडक्शन होना मून की स्ट्रेंथ में 63 से 47। एक डेम्से और टाइम स्लॉट है जहाँ 3x से 4x कैसे अचीव किया जाता है। ठीक, सभी लोग देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, और एक माइनर जर्क भी आपको 10:20 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है। ठीक, क्या या अब नेक्स्ट टाइम स्लॉट कौन सा है? तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट है 10, नेक्स्ट टाइम स्लॉट रहेगा 12:45। मिलते हैं, बी पंक्चुअल एट द टाइम ऑफ 12:40। राधे राधे। बोल रहा है?